मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं, इस सरकार ने, सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने लगातार जनता की सेवा काम करने का काम किया है, और इन नीतियों को, जो कि मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने मुझ पे जो विश्वास जाहिर किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी और बाकी सारी कैबिनेट ने, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और ये योजनाएं और जो जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाने का, ताकि उनको लाभ मिल सके। पब्लिसिटी एडवाइजर पहले भी रहे और भी जनसंपर्क विभाग भी है हमारा, आप किस तरीके से अलग कार्य करेंगे कि सरकार की बातें जनता तक पहुंचाएं? आज ये बात करने की नहीं है, मेरा प्रयास रहेगा कि हर तरीका अपनाया जाए, क्योंकि आज सिर्फ होर्डिंग से प्रचार नहीं होता। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, पत्रकार साथी हमारे बंधु पहले भी मेरा बड़ा सहयोग करते रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम सारे प्लेटफॉर्म को मिला के इस सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोई खास प्रारूप अभी तैयार कर रहे हैं और इसमें अच्छे ढंग से काम करेंगे, और आपको 2-3 महीने में नजर आएगा कि हम जो भी सरकार की नीतियां वो जनता तक पहुंचाने में कुछ हद तक सफल रहेंगे। मैं बहुत पॉजिटिव वे में इसको देखती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि तरुण सर को मैं फैमिली बेसिस पे जानते हुए हमारे घर के ही सदस्य हैं, तो मुझे पता है कि वो अपने काम को लेके कितने सीरियस हैं और वो अपने काम को बखूबी निभाएंगे, बेहद बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। मैम, जिस तरीके का प्लेटफॉर्म जो हरियाणवी कल्चर को मिलना चाहिए उसको आपने बढ़ावा भी दिया, लेकिन अगर हम फिल्मी हरियाणवी फिल्में की बात करें तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार सीरियस हो रही है और आगे जाके इस पर भी काम किया जाएगा। और एक फिल्म बनाने के लिए सर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, अभी लोगों को शायद इतना भरोसा नहीं हुआ है। मैं मानती हूँ कि 80% हम लोगों ने ग्रो किया है म्यूज़िक के उसमें, तो आगे जाके जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारा पूरा आर्टिस्ट फर्टिलिटी लगा लीजिए हरियाणवी, तो बिल्कुल वो दौर जल्दी आने वाला है जब यहाँ पे आप फिल्में भी देखेंगे। 8 साल जो की घोषणा की गई जी, उससे कितना लगता है आपको? बहुत बदलाव आएगा, एक तो लोगों आपस में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे, पता लगता रहेगा कि कौन किस तरीके का काम कर रहा है, एक गढ़ बन जाता है, तो हमारा वक्त बचेगा आने जाने के लिए। एक फिल्म सिटी का मतलब हर चीज़ उसी के अंदर हमें प्रोवाइड हो जाएगी, तो हमें जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा जो हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। आप राजनीति में आने वाले हैं या अभी इसी तरीके से अभी जाएंगे? मैं ऐसे ही डांस करती रहूँगी सर, मजा आता है। आए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में, नहीं सर अभी तक तो कोई भविष्य ऐसा नहीं दिखता मुझे। देखिए, किसी भी बात को लेकर आपको लाइन नहीं खींचनी चाहिए कभी भी कि हाँ मैं ये नहीं करूँगी, वक्त नहीं पता। मेरे को कभी आर्टिस्ट भी नहीं बनना था, लेकिन वक्त ने बना दिया, तो अभी वक्त का क्या पता क्या हो जाए। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल मेरा ना तो उस तरफ कोई फोकस है, ना अभी मैं जाना चाहूँगी। लड्डू तो खा लो, सर कुछ चीज़ें हैं, देखिए कोई कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं। अगर खट्टर साहब की आप बात करेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया है। आजकल टाइम आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता, जिसके पास पीआर है वो आज के टाइम में देवता हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता काम पे फोकस करना चाहिए। काम एक आदमी तक खुद को पहुंचाने में वक्त लगता है, और आजकल डिजिटल इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको एक सेकंड भी नहीं लगता, आप लोगों तक इतनी जल्दी पहुंचा देते हैं अपनी बात को, तो फर्क है इस चीज का, आप मानेंगे। सबसे हटकर किस तरीके से आप बिग बॉस में भी रही, इस बार का बिग बॉस भी आप रेगुलरली फॉलो कर रही हूं? नहीं, मैं नहीं फॉलो करती हूं। क्या कुछ रहेगा, मतलब आप अगर आप देख रही हूं तो क्या कुछ? नहीं, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूं, माफ कीजिए, मैं कोई अपडेट नहीं दे सकती, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं उस चीज के बारे में बोलना ही व्यर्थ है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने किया है, और पर उसके बाद मुझे इतना वक्त ही नहीं दिया, भगवान ने और बिग बॉस ने इतना दे दिया, आप लोगों ने इतना दे दिया कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता मैं बिग बॉस देख सकूं। सर कंपैरिजन मत कीजिए, है ही नहीं, कंपैरिजन नहीं है, एक ही है। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ और आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान,
जितना भी ये नॉर्थ है ये पूरा का पूरा एक ही है।